नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। जींद में हुई आस्था रैली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले 75 पार के आशीर्वाद को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को कालका से अश्वमेघ यज्ञ का रथ लेकर रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने यात्रा शुरू करने से पहले कालका काली माता मंदिर में पूजन किया। इसके बाद कालका मंडी में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री के जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया। जन आशीर्वाद यात्रा कुल 2100 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इस जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य की 90 विधानसभाओं में पहुंचकर लोगों को जहां सरकार की अभी तक की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, वहीं राज्य के बेहतर भविष्य के लिए एक बार फिर से राज्य की बागडोर भाजपा के हाथों में सौंपने की अपील भी करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में चुनाव का शंखनाद अर्थात आचार संहिता लगने की उम्मीद है। राज्य में भाजपा के पक्ष में माहौल है और इसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए पार्टी काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज रविवार को कालका से अश्वमेघ यज्ञ का रथ लेकर रवाना हो गए हैं। कालका से शुरू इस यात्रा के दौरान सीएम कट्टर राज्य के सभी विधानसभा हलकों में जाएंगे तथा जनता को सरकार की 5 साल की उपलब्धियों से अवगत करवाएंगे। 5 चरणों में चलने वाली इस यात्रा के संयोजक करनाल से सांसद एवं भाजपा के महामंत्री संजय भाटिया को बनाया गया है। सांसद संजय भाटिया को राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, सांसद नायब सैनी डॉक्टर कमल गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद यादव, जेपी दयाल यात्रा प्रबंध में सहयोग करेंगे। यात्रा को प्रभारी और सफल बनाने के लिए प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेवारी दी गई है। जन आशीर्वाद यात्रा कुल 2100 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। जन आशीर्वाद यात्रा अपने प्रत्येक चरण में 400 से 500 किलोमीटर तक सफर तय करेगी, जिसमें हर रोज 40 कार्यक्रम होंगे। हर दिन 40 कार्यक्रमों को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। हर दिन यात्रा के साथ हलके का एक मंत्री भी मौजूद रहेगा। जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यकर्ताओं के जरिए युवाओं, किसानों और महिलाओं से रूबरू होंगे। यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ पूरा काफिला चलेगा, जिससे आम जन को कोई परेशानी ना आए, इसका ख्याल रखते हुए भी भाजपा ने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई है। 5 चरण में निकलने वाली यह यात्रा 6 सितंबर को सिरसा में खत्म होगी। 8 सितंबर को जाटलैंड रोहतक भारतीय जनता पार्टी द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन के माध्यम बड़ी यात्रा समापन रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आशीर्वाद देने आएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।